Hello students, in today's lecture we are going to discuss about Naranjo algorithm scale, which is a type and method of casualty assessment. So first of all, what is casualty assessment? Casualty assessment means kabhi bhi agar koi bhi ADR aapke samne aata hai ki kisi drug ne koi ADR cause kiya, adverse drug reaction cause kiya, to is cheez ko assess karna ki wo ADR us particular drug ki wajah se hi hua hai ya fir koi dusri drug ki wajah se hua hai jo person saath mein le raha hai, या फिर उसको कोई ऐसी डिजीज है जिसका वो सिम्टम है और उसे हम ड्रग का एडीआर समझ रहे हैं. ठीक है, तो कैजुअलिटी असेसमेंट मींस जब हम कल्प्रिट का पता लगाते हैं कि कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन आई है, तो इसे बोलते हैं हम कैजुअलिटी असेसमेंट. सो कैजुअलिटी असेसमेंट क्राइटेरिया हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, पूरी सीरीज में हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं. सो बेसिकली जो कैजुअलिटी असेसमेंट है उसे दो तरीके से किया जा सकता है. पहला है जजमेंट बेस. जजमेंट बेस मतलब जो क्लिनिकल रिसर्च में जो आपके एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हैं टोटली उनके उनके जजमेंट के बेस पे ये डिसाइड होता है कि ये एडीआर इस ड्रग से रिलेटेड है या नहीं है. तो इस पे क्या चीज होगा, क्या चीज मेनली इसमें आप बोल सकते हो इम्पोर्टेंस रखती है, जो रिसर्च में जो आपके रिसर्चर्स इन्वॉल्व हैं उनकी एक्सपर्टीज प्लस उनकी नॉलेज, यही दो फैक्टर हैं जिनके बेसिस में वो डिसाइड करते हैं कि ये जो ड्रग है इससे ये एडीआर हो सकता है या नहीं हो सकता है. तो ये टोटली आप कह सकते हो आप 100% इस पर रिलाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी एक सिंगल ड्रग की बात करती हूँ और उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करती हूँ तो टाइम टू टाइम नए फार्माकोलॉजिकल एक्शंस सामने आते जाते हैं. जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है नए नए फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हम टोटली ये नहीं बोल सकते कि अगर किसी रिसर्चर ने अपनी एक्सपर्टीज या अपनी नॉलेज के बेस में किसी एडीआर को ड्रग से कोरिलेट किया है या एडीआर को किसी डिजीज से कोरिलेट किया है तो वो 100% राइट होगा या नहीं होगा. क्लियर है? तो ये था एक्सपर्टीज बेस और हम कह सकते हैं जजमेंट बेस आपका असेसमेंट. ठीक है, सेकेंड असेसमेंट होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्केल, जहां पे हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, डिफरेंट स्केल्स यूज करते हैं कैजुअलिटी को असेस करने के लिए. तो हमारे पास दो स्केल्स अवेलेबल हैं. पहली स्केल WHO स्केल, जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं. पूरा डिटेल में हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाउ वी कैन क्लासीफाई द ADR इनटू डिफरेंट कैटेगरी. लाइक ADR आपका सर्टेन है, सर्टेनली रिलेटेड है विद द ड्रग, ADR प्रॉबेबली रिलेटेड है विद द ड्रग, ADR पॉसिबली रिलेटेड है या अनलाइकली रिलेटेड है. तो ये हमने क्लासिफिकेशन देखा था. WHO क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं, WHO स्केल हम पढ़ चुके हैं. अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखिए. ओके, और आज के लेक्चर में हम जो सेकेंड स्केल करने जा रहे हैं वो कौन सी है, आपकी Naranjo स्केल. इसको Naranjo एल्गोरिदम स्केल बोलते हैं. एल्गोरिदम मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम जब क्या करते हैं किसी भी प्रोसेस को सॉल्व करते हैं, आपका किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वही हमारा एल्गोरिदम होता है ना. तो ये हमारा एक एल्गोरिदम है. अब एल्गोरिदम कैसे है, ये Naranjo स्केल कैसे है, ऑब्वियसली Naranjo साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये स्केल दिया था, प्रपोज किया था for the casualty assessment. So in this scale and in this algorithm we have 10 different questions. ठीक है, आपके पास suppose एक case report है. ठीक है, क्योंकि केस रिपोर्ट से ही हम पता लगाते हैं ना कि आप एडीआर को कौन सी कैटेगरी में रखने वाले हैं. ठीक है, जैसे हमने पिछले WHO स्केल में देखा था. तो सपोज हमारे पास एक केस स्टडी है जिसमें सारी आपकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो दी हुई है. ठीक है, कुछ ऐसी है जो मिसिंग भी होगी, अभी हम देखते हैं क्या करना है. तो एक केस स्टडी हमारे पास है, अब हमने उस केस स्टडी को देख के ये 10 क्वेश्चंस को आंसर करना है. क्लियर है, कर सकते हैं आसानी से. केस स्टडी हमारे पास है, पूरा हमें दिया हुआ है कि किस डिजीज की बात चल रही है, कौन सी ड्रग दी गई, क्या क्या चीजें हुई हैं, पूरी पूरा जब ट्रीटमेंट हुआ था उस पर्सन का, कौन सा एडीआर आया, कितने टाइम बाद वो चला गया, ये सारी रिपोर्ट हमारे पास है. ठीक है, एक केस स्टडी हमारे पास है. अब हम उस केस स्टडी को देखते हुए इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. दीज आर द 10 क्वेश्चंस दैट वी हैव टू आंसर इन Naranjo एल्गोरिदम स्केल. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओके,
फर्स्ट क्वेश्चन इज आर देयर प्रीवियस कंक्लूसिव रिपोर्ट ऑन दिस रिएक्शन. जो आपके पास केस रिपोर्ट आई है, केस स्टडी आई है, उसे देखते हुए आपको पहले पता लगाना है कि क्या ये जो केस स्टडी में इस पर्सन को ये सपोज मैं आपके सामने केस स्टडी रख रही हूँ ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना होए. पूरी केस स्टडी हम रख लेते हैं बट मैं पहले आपको एक कॉमन स्केल बताऊंगी, फिर उस स्टडी के हिसाब से हम क्या करेंगे, स्केल काउंट करेंगे, ठीक है, क्या स्कोर आ रहा है. सो वी हैव द केस स्टडी हियर. एक पर्सन है, एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल में आया है, ठीक है, मेल है, और उन्हें क्या है आपका, ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है. तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए उन्हें डॉट्स थेरेपी दी गई. डॉट्स थेरेपी में तीन ड्रग जो इंक्लूडेड है वो कौन सी है, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन एंड पायराजिनामाइड. क्लियर है, ये तीन ड्रग उन्हें दी गई. आफ्टर सम टाइम इन द नेक्स्ट विजिट जब वो हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने बताया कि उन्हें क्या हो रहा है आपका, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ठीक है. तो डॉक्टर ने एनालाइज किया, टेस्ट वगैरह हुए तो पता चला कि उन्हें हेपेटाइटिस हो गया है. क्लियर. अब हेपेटाइटिस का कोरिलेशन देखना चाहा कि ये हेपेटाइटिस किस वजह से हुआ, क्योंकि इंसान को पहले नहीं था बट जब आपने थेरेपी स्टार्ट की उसके बाद हेपेटाइटिस हुआ है. तो डॉक्टर्स ने एनालिसिस किया, ठीक है, देन उन्होंने सीधे एक चीज सजेस्ट की पेशेंट को कि आपको ये दवाई लेनी छोड़ देनी है. सो जो पेशेंट था उसने आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड और रिफैम्पिसिन तीनों को लेना बंद कर दिया. क्लियर है, ड्रग विदड्रॉ कर दी गई. After some time in the next visit, जब a patient दोबारा डॉक्टर के पास आया तो उन्होंने बताया now he is feeling better, अब उन्हें अच्छा लग रहा है. इसका मतलब दवाई ही जो medicine थी वही reason थी hepatitis का, और देखा कि hepatitis के जो symptoms थे वो subside हो चुके हैं, ठीक है. अब डॉक्टर ने क्या किया, पता लगाने की कोशिश किया कि क्या ये तीनों ड्रग की वजह से हेपेटाइटिस हुआ था या इनमें से कौन सी कल्प्रिट ड्रग है, समझ में आ रहा है. तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वन बाय वन एक एक ड्रग देना स्टार्ट किया. तो सबसे पहले उन्होंने आइसोनियाजिड देना स्टार्ट किया उस पेशेंट को. तो आइसोनियाजिड देना स्टार्ट किया तो थोड़े टाइम बाद जब टेस्ट हुआ पता लगा कि आइसोनियाजिड से हेपेटाइटिस के सिम्टम दोबारा नहीं हुए. इसका मतलब आइसोनियाजिड की वजह से हेपेटाइटिस नहीं हुआ था. नेक्स्ट उन्होंने रिफैम्पिसिन को स्टार्ट किया, जब रिफैम्पिसिन दिया तो देखा कि रिफैम्पिसिन की वजह से भी हेपेटाइटिस के सिम्टम्स नहीं आ रहे. तो इसका मतलब रिफैम्पिसिन भी आपकी क्या हुआ, रेस से बाहर हो गई. नेक्स्ट उन्होंने लास्ट पायराजिनामाइड दिया, तो पायराजिनामाइड देने के बाद कुछ दिनों बाद ही हेपेटाइटिस के सिम्टम्स आने लगे. तो वहां से पता चला कि हाँ, पायराजिनामाइड ही क्या है आपकी कल्प्रेट ड्रग है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हुआ था. सो दिस वॉज द केस स्टडी. पूरे पेपर पे, पूरी रिपोर्ट में ये पूरी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके सामने रखी. क्लियर है, इस तरीके की केस स्टडी होती है. कभी कभी क्या होता है, केवल यहां तक ही आपको रिपोर्ट में दिया होता है कि डॉक्टर ने जो आपकी आइसोनियाजिड, पैराजिनामाइड और रिफैम्पिसिन थी वो स्टॉप करने को बोल दिया, सिम्टम सबसाइड हो गए, बस खत्म, ठीक है. उसके बाद का जो रीचैलेंज है ना, दोबारा ड्रग को देना स्टार्ट किया पता लगाने के लिए कौन सी ड्रग है. कभी कभी कुछ केस रिपोर्ट ऐसी होती है जिनमें ये होता ही नहीं है, ठीक है. तो इस तरीके से केस रिपोर्ट आती है, उनकी इंफॉर्मेशन को देखते हुए ही हमें क्या करना पड़ता है, इन क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है. अब मैंने जो रिपोर्ट आपको बताई है उसे आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है, और वहीं से हम क्या करेंगे, आंसर करना स्टार्ट करेंगे. बट अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक कॉमन स्केल आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आंसर किया जाता है. अभी केस स्टडी को दिमाग में नहीं रखना है बिकॉज कॉमन आपको स्कोरिंग भी पता होनी चाहिए, ठीक है. देखें, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने केस स्टडी को देखते हुए आंसर करना है वो क्या है, आर देयर प्रीवियस कंक्लूसिव रिपोर्ट ऑन दिस रिएक्शन. क्या इस रिएक्शन के बारे में कोई पहले से रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जो रिएक्शन हुआ है. सपोज हमारी केस स्टडी में कौन सी रिएक्शन हुई, हेपेटाइटिस. क्या इसके बारे में कोई पहले से ऐसे रिपोर्ट या एविडेंस रिपोर्ट्स आपकी अवेलेबल हैं, आपको क्या लगता है. सब पता है ना, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन और पायराजिनामाइड तीनों ही हेपेटोटॉक्सिक ड्रग की कैटेगरी में आती हैं. तो अगर वो हेपेटोटॉक्सिक हैं तो इसका मतलब हेपेटाइटिस कर सकती है ना. तो एविडेंस तो है हमारे पास, बट ये तो केस था हमारी केस स्टडी का. बट अभी आपको रैंडमली सोचना है, ठीक है. तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसे हम आंसर करेंगे. सो चाहे आपके पास कोई भी स्टडी हो तो आपके पास तीन चीजें रहेंगी. देखो, इस क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप तीन ही तरीके से दे सकते हो रिपोर्ट को देखते हुए. या तो आंसर होगा यस, या आंसर होगा नो, या आंसर होगा डोंट नो. ओके, यही तो तीन आंसर हो सकते हैं. जो भी आपका आप एनालाइज करेंगे यही तीन आपको आंसर देने हैं. तो ऐसा करते हैं,
लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट सबको हम अलग अलग मेंशन कर पाएंगे. सो अब हमें ये देखना है कि ये तीनों को आंसर कैसे करते हैं और कैसे नंबरिंग दी जाती है. सपोज अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप रिपोर्ट को देने के बाद आपने रिपोर्ट देखी और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, अगर आपको लगा कि हाँ इसके बारे में कोई इस रिएक्शन के बारे में पहले से कोई रिपोर्ट है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस होगा, ऑब्वियसली यस आपको पता है. तो यहाँ पे आप स्कोर कितना देंगे? +1. ठीक है, अगर आपका यस आंसर है तो आप यहाँ पे स्कोर कितना देंगे? +1. अगर आपका आंसर है नो, ठीक है नो, अगर आप ये बोल रहे हैं कि नहीं कोई भी आपकी इस रिएक्शन के बारे में पहले से कोई रिपोर्ट है ही नहीं, तो आप नो अगर आपका आंसर है तो आप क्या स्कोर देंगे? 0. और डोंट नो के केस में भी स्कोर क्या रहेगा? 0. क्लियर? अगर यस आंसर आपका है तो +1 स्कोर दीजिए, अगर नो और डोंट नो आंसर है तो दोनों में आप 0 आप मेंशन करेंगे. तो ये पहला पॉइंट है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? डिड द एडवर्स ड्रग रिएक्शन अपेयर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. ये बेसिकली बता रहा है टाइम रिलेशन को. टाइम रिलेशन हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था. ये बोल रहा है कि क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन ड्रग को देने के बाद हुआ, जब ड्रग एडमिनिस्टर कराई उसके बाद एडीआर हुआ है. आपने केस स्टडी आपके सामने है, आप देख के बताइए क्या उसके बाद हुआ है. तो आपका आंसर अगर यस है तो उसके लिए आप यहां स्कोर कितना देंगे? +2. ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर यस है तो आप कौन सा स्कोर दोगे? +2. अगर इसका आंसर नो है तो आपका जो आप स्कोर देंगे वो क्या होगा? आपका -1. ओके और अगर डोंट नो है, डोंट नो के केस में तो 0 ही स्कोर जाता है. ये फिक्स है बेटा, ये कोई मैंने डिसाइड नहीं किया है, ये पहले से फिक्स है कि क्या क्या नंबर दिए जाते हैं आंसर्स के. ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे रिपोर्ट को देखते हुए आपको आंसर करना है. डिड द एडीआर इंप्रूव ऑन ड्रग डिसकंटिन्यूएशन. दिस इज अबाउट डी चैलेंज. पढ़ा था डी चैलेंज मतलब ड्रग को जब आपने स्टॉप किया, ड्रग को लेना छोड़ दिया तो क्या सिम्टम इंप्रूव हो गए? ये क्वेश्चन आपसे आप पूछ रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है. आप केस स्टडी को देखते हुए बताएं कि ये हुआ था या नहीं हुआ था. अगर आप अपनी वाली केस स्टडी को याद करें तो उसमें क्या था? हेपेटाइटिस हुआ था. जैसे ही ड्रग छोड़ी हेपेटाइटिस के सिम्टम इंप्रूव हुए थे ना, उसके केस में आंसर क्या आना चाहिए? यस. बट मैं एक कॉमन आंसर आपको बता रही हूं, अगर इसका आंसर यस है तो आप स्कोर क्या देंगे? +1. ओके, अगर इसका आंसर यस है तो आप स्कोर क्या दोगे? +1. और अगर इसका आंसर नो है तो स्कोर आपका क्या रहेगा? 0. और डोंट नो में तो हमेशा ध्यान रखिए 0 ही स्कोर रहेगा. तो ये था थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या स्कोर दिया जाता है. अगर थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका यस है तो +1 दीजिए, अगर नो है तो 0 स्कोर, डोंट नो है तो 0 स्कोर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डिड द एडीआर रीअपेयर ऑन ड्रग रीएडमिनिस्ट्रेशन. क्या एडीआर दोबारा से आ गया जब आपने दोबारा ड्रग को एडमिनिस्टर कराया? तो क्या एडीआर फिर से आ गया था? सिम्टम दोबारा आए थे? हमारी केस स्टडी के हिसाब से जब हमने दोबारा से आइसोनियाज़िड रिफैम्पिसिन को देने के बाद तो नहीं आए, लेकिन पैराज़ोनामाइड को देने के बाद आए थे ना सिम्टम. तो आंसर क्या है? यस. बट हम एक कॉमन उसकी बात कर रहे हैं. तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर यस होता है तो स्कोर क्या दिया जाता है? +2. ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन का आंसर नो है तो स्कोर क्या आना चाहिए? -1. ओके, और डोंट नो में तो अगेन 0. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4th की स्कोरिंग कैसे करनी है. नाउ आर देयर ऑल्टरनेटिव कॉजेज दैट कुड कॉज द रिएक्शन. ऑल्टरनेट कॉज पढ़ा था, ऑल्टरनेट ऑप्शन. क्या बोला मैंने कि क्या कोई दूसरा ऐसा कॉज है जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो सकती है. अगर हम मैंने आपसे बोला था, कभी हम बोलते हैं ना कि किसी एक ड्रग की वजह से ये एडीआर हुआ, हो सकता है ना वो पेशेंट कोई दूसरी ड्रग ऐसी ले रहा हो जिसकी वजह से एडीआर हो सकता है, या उसे कोई दूसरी ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से एडीआर हो सकता है. बट जो मैंने केस स्टडी आपके सामने रखी थी, तो क्या उसमें ऐसा कोई जिक्र हुआ था कि इस इंसान को कोई दूसरी बीमारी है या फिर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हेपेटाइटिस होता है? कुछ ऐसे आपको एविडेंस लग रहे हैं? केस रिपोर्ट में कहीं ये मेंशन नहीं था. अगर मेंशन होता तो तब हम कहते कि हाँ ऑल्टरनेट कॉज है, बिकॉज ऑल्टरनेट कॉज आपको बस
केस स्टडी को देखना है, बाहर ध्यान नहीं देना है। देखो आपके सामने केस स्टडी है, उसे देखते हुए आप आंसर करो, क्या कोई ऑल्टरनेट कॉज है जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो सकती है अदर देन दीज ड्रग आइसोनियाजिड पैरिजिनामाइड रिफैम्पिसिन को छोड़ के, कोई दूसरा ऐसा कॉज है जिसकी वजह से हो सकता है, तो उसी हिसाब से आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे अकॉर्डिंग टू योर केस स्टडी। तो मैं यहाँ पे आंसर कर रही हूँ कि कोई ऑल्टरनेट कॉज है या नहीं है। अगर आंसर यस है, अगर ऑल्टरनेट कॉज है, तो मैं यहाँ पे जो स्कोर दूंगी वो क्या होगा, -1। समझ में आ गया? अगर ऑल्टरनेट कॉज है तो मेरी स्कोरिंग क्या आएगी, माइनस। देखो पहली बार माइनस हुआ है, ठीक है। और अगर ऐसा है कि कोई ऑल्टरनेट कॉज नहीं है, अगर ऑल्टरनेट कॉज नहीं है तो जो स्कोरिंग दी जाएगी वो क्या होगी, +2, और डोंट नो तो 0 ही। समझ में आ गया? ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का स्कोर। अब डिपेंड करेगा कि आपका आंसर क्या है, वही स्कोर आप ऐड करोगे। नेक्स्ट वी हैव, डिड रिएक्शन रीअपेयर व्हेन प्लेसिबो गिवन। जब आपने प्लेसिबो दिया, प्लेसिबो मतलब डम ड्रग जिसमें कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता, आप जानते हो। तो क्या केवल प्लेसिबो देने पे भी रिएक्शन होनी स्टार्ट हो गई? हम करते हैं ना कि प्लेसिबो, हमने ड्रग नहीं दी, उसके बदले खाली हमने डम ड्रग दे दी साइकोलॉजिकल चेक करने के लिए, कहीं ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन पर्सन की साइकोलॉजी से रिलेटेड तो नहीं है। बिकॉज वॉट टाइम ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों को बस दिमाग में होता है कि ये ड्रग लेने से मुझे ये सिम्टम आते हैं, तो वो आते हैं, ठीक है। एक्चुअली फार्माकोलॉजिकली कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता है। सो टू चेक दैट, हम प्लेसिबो देके देखते हैं कि आपकी जो केस रिपोर्ट है क्या उसमें ऐसा कुछ मेंशन हुआ है कि प्लेसिबो देने के बाद भी आपके रिएक्शन रीअपेयर हो रही है, ठीक है। तो देखें, अगर आपका प्लेसिबो देने के बाद रिएक्शन रीअपेयर हो रही है, अगर आंसर आपका यस है तो आप क्या दोगे, -1। क्या दोगे, -1। और अगर प्लेसिबो देने के बाद रिएक्शन नहीं हो रही है, रिएक्शन नहीं आ रही है, तो आपका यहाँ पे स्कोर क्या आएगा, +1। डोंट नो में 0। अब आपकी जो रिपोर्ट थी, हमारी जो केस स्टडी थी, उसमें प्लेसिबो का कहीं जिक्र नहीं हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा, डोंट नो। जिस चीज के बारे में रिपोर्ट में नहीं दिया है वहां आप डोंट नो ही रखोगे, यानी कि स्कोर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। अभी देखेंगे लास्ट में, एक स्कोर निकाल के देखेंगे हम। यहां से मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो अभी हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम यही चाह रहे हैं, हम पर्टिकुलर ड्रग को एडीआर से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों ही पॉइंट किस चीज को सजेस्ट कर रहे हैं, अगर ऑल्टरनेट कॉज हुआ तो हम ये बोल रहे हैं कि हाँ एडीआर ड्रग की वजह से नहीं हुआ, कुछ और है जिसकी वजह से एडीआर हुआ। प्लेसिबो की वजह से अगर एडीआर हुआ तो तब भी हम यही बोल रहे हैं कि हाँ ड्रग की वजह से नहीं है, कुछ और आपका साइकोलॉजिकल आपका इफेक्ट है जिसकी वजह से हुआ। तो दोनों ही केस में, दोनों ही क्वेश्चन ड्रग का एडीआर से रिलेशन क्या कर रहे हैं, आपका हटा रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि ड्रग का एडीआर से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमने क्या दिया, माइनस रेटिंग दी है, दिमाग में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव, वॉज द ड्रग डिटेक्टेड इन टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड एंड द ड्रग डिटेक्टेड इन अ कॉन्सेंट्रेशन विच इज नोन टू बी टॉक्सिक। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि जो ड्रग आपकी ब्लड में है, क्या रिपोर्ट में ऐसा दिया हुआ है कि जो ड्रग है ब्लड में वो क्या है, टॉक्सिक लेवल में है, ठीक है। ये आपने, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपकी जो ड्रग है, ड्रग क्या टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन में है ब्लड में जिसकी वजह से एडीआर आया, या अगर नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में होती तो एडीआर नहीं आता। यही कहने का मतलब है कि जो एडीआर आपका हुआ है वो क्या टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन में पहुंचने की वजह से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर यस है तो आप क्या करेंगे, +1 करेंगे, और अगर इस क्वेश्चन का आंसर नो है तो आप 0 स्कोर देंगे, डोंट नो में तो 0 आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है, वॉज द रिएक्शन मोर सीवियर ऑन डोज इंक्रीमेंट। क्या डोज को बढ़ाने पे रिएक्शन और भी ज्यादा सीवियर हो जाती है? अगर ड्रग की डोज आप बढ़ा रहे हो तो क्या रिएक्शन सीवियर हो जा रही है? अगर हो रही है सीवियर तो उस केस में अगेन आप +1 स्कोर देंगे, और अगर नहीं हो रही है तो 0 स्कोर, डोंट नो में भी 0 स्कोर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है। डिड द पेशेंट हैव सिमिलर रिएक्शन ऑन प्रीवियस एक्सपोजर टू दैट सेम पर्टिकुलर ड्रग। अगर पेशेंट
ने प्रीवियस किसी टाइम में वही पर्टिकुलर मेडिकेशन ली थी, क्या उसे तब भी यही रिएक्शन हुई थी जो आज हो रही है, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर अगर यस है तो आप क्या देंगे, +1 देंगे स्कोर, और अगर इसका आंसर नो है तो 0 स्कोर, और डोंट नो है तो अगेन 0 स्कोर। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 10, वॉज द ADR कन्फर्म्ड बाई एनी ऑब्जेक्टिव एविडेंस, क्या ADR किसी भी एविडेंस से कंफर्म किया गया है पहले से, क्या उस ADR के अगेंस्ट कोई एविडेंस है कि इस ड्रग की वजह से ये ADR होता है, पहले से आपके पास कोई एविडेंस है या नहीं है। अगर कोई ADR के बारे में कोई एविडेंस है कि इस ड्रग की वजह से ये ADR होता है या कुछ रिलेशन है, तो अगर एविडेंस सबूत आपके पास है तो आप क्या देंगे, यस, +1 आप दीजिए स्कोर। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है इस ADR और ड्रग के रिलेटेड कि इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन है, तो आप स्कोरिंग देंगे 0। अगर आपको नहीं पता तो आप स्कोरिंग देंगे 0। तो इस तरीके से आप स्कोरिंग कर सकते हो। 10 के 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपको बस केस रिपोर्ट को देखते हुए इन्हें आंसर करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो अभी जो मैंने केस स्टडी आपके पास रखी थी, आपके सामने रखी थी, वही केस स्टडी को देते हुए स्कोरिंग करना स्टार्ट करें। मैं जहां जहां पे जो स्कोर है उसे मैं रख रही हूँ, बाकी को इरेज कर रही हूँ। अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, आर देयर प्रीवियस कंक्लूसिव रिपोर्ट ऑन द रिएक्शन, क्या ये जो रिएक्शन हेपेटाइटिस हुआ था INH आइसोनियाज़िड पाइरेज़िनामाइड रिफैम्पिसिन की वजह से जो हेपेटाइटिस हुआ था, अभी तक कोई कॉन्क्लूजन नहीं था, क्या उस रिएक्शन के कोई हमारे पास हम बोल रहे हैं कि कॉन्क्लूसिव रिपोर्ट है, यस है, क्योंकि ये तीनों ही ड्रग दे आर नोन टू बी हेपेटोटॉक्सिक, ये लीवर को डैमेज करती हैं, और डैमेज अगर लीवर होगा तो हेपेटाइटिस होने के चांसेस हैं। तो यहाँ इसमें मैं स्कोर क्या दूंगी, मुझे पता है कि ये कॉन्क्लूसिव रिपोर्ट है तो मैंने क्या लिखा, +1, तो इसे हटा दीजिए यहाँ से, ठीक हो गया, दोनों हटा दिए क्योंकि इसका आंसर मुझे पता है +1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द ADR अपेयर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, हुआ था ऐसा जब आपने, जब डॉक्टर ने पेशेंट को तीनों ड्रग प्रेस्क्राइब की थी उसके बाद ही हेपेटाइटिस हुआ था, तो आंसर क्या है इसका, यस। तो यस मैं यस वाले के आंसर को रखूंगी, इन्हें हम हटा देते हैं क्योंकि हमारा आंसर है यस। नेक्स्ट है, डिड द ADR इम्प्रूव ऑन ड्रग डिसकंटिन्यूएशन, क्या ये हुआ था जैसे ही ड्रग लेनी बंद की थी ADR इम्प्रूव हुआ था, हुआ था, हुआ था ना, हेपेटाइटिस के सिम्टम्स सबसाइड हुए थे, तो आंसर क्या रहेगा, +1, तो मैं हटा रही हूं इन्हें, तो आंसर है यस। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, डिड द ADR रीअपेयर ऑन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा हुआ था, ऑब्वियसली INH और रिफैम्पिसिन के साथ नहीं हुआ था लेकिन पैराज़िनामाइड के साथ हुआ था ना, हमें तो एक ड्रग का पता लगाना था, हो सकता था वो सबके साथ भी होता तब भी हमें पता लग जाता कि हाँ ये इन सब की वजह से हेपेटाइटिस हुआ, लेकिन हेपेटाइटिस हुआ ना दोबारा, सिम्टम्स आए ना उसके, किसकी वजह से, पैराज़िनामाइड के री एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। सो आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज यस, ठीक है, तो इसकी स्कोरिंग क्या आएगी, +2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर ऑल्टरनेट कॉज दैट कुड कॉज द रिएक्शन, क्या कोई और कॉज है, कोई भी रिपोर्ट में कॉज मेंशन नहीं किया हुआ है, केवल ये बोला है कि पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हेपेटाइटिस नहीं होता, हमें पता है, ठीक है, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो बोलती हो कि किसी को टीबी है तो उसे हेपेटाइटिस हो जाएगा। नेक्स्ट हमें नहीं पता कि वो कोई दूसरी मेडिसिन ले रहा है जिसका कोरिलेशन है या उसे कोई दूसरी बीमारी है, ऐसा कोई भी जिक्र हमारी केस रिपोर्ट में नहीं है क्योंकि हमारे पास बस ये केस रिपोर्ट है जिसके बेसिस में हम ये क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। सो देयर आर नो अल्टरनेट कॉज दैट कुड कॉज द रिएक्शन, सो आंसर जो रहेगा वो नो रहेगा, तो मैं येस की स्कोरिंग और डोंट नो की स्कोरिंग हटा रही हूँ, तो +2 हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट, डिड रिएक्शन रीअपेयर व्हेन द प्लेसिबो गिवन, क्या प्लेसिबो देने के बाद रिएक्शन दोबारा आई, ऐसा कुछ केस रिपोर्ट में किया नहीं गया है, केस रिपोर्ट में कुछ ऐसा था कि प्लेसिबो दिया, नहीं था ना, तो आपके पास इसका आंसर क्या है, डोंट नो, आपको क्या पता कि दिया है नहीं दिया, जब तक केस रिपोर्ट में जो चीज नहीं दी है तो आपको उसके लिए क्या करना है, डोंट नो। ओके, तो 0 स्कोरिंग। नेक्स्ट, वॉज द ड्रग डिटेक्टेड इन टॉक्सिक कंसेंट्रेशन इन ब्लड, ये भी हमें नहीं पता कि ड्रग टॉक्सिक कंसेंट्रेशन, कोई रिपोर्ट में मेंशन किया ही नहीं है कि इनका लेवल टॉक्सिक हुआ या नहीं हुआ, सो आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी
डोंट नो, वी डोंट नो वेदर द ड्रग इज इन टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन और नॉट. सो हमने जीरो स्कोरिंग दिया. फॉर एट्थ का क्या है, वॉज द रिएक्शन मोर सीवियर ऑन डोज इंक्रीमेंट. अगर डोज बढ़ाने पे रिएक्शन सीवियर हो रही है, ये कहीं पे मेंशन हुआ है? नो, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो. सो द आंसर एंड द स्कोर विल बी जीरो. वी डोंट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो. नेक्स्ट, डिड द पेशेंट हैव सिमिलर रिएक्शन ऑन प्रीवियस एक्सपोजर. इस बारे में भी कुछ नहीं बताया कि पहले कभी एक्सपोजर हुआ था तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन हुई थी, इसके बारे में भी हमें नहीं पता है. तो हम क्या बोलेंगे, वी डोंट नो. ठीक है, हमें प्रीवियस एक्सपोजर का भी नहीं पता है, हमें रिपोर्ट में कहीं नहीं दिया हुआ है. लास्ट क्वेश्चन, वॉज द एडीआर कन्फर्म्ड बाई एनी ऑब्जेक्टिव एविडेंस. कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव एविडेंस के थ्रू एडीआर कन्फर्म हुआ है या नहीं हुआ है? तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, हमारे पास देखो ऑब्जेक्टिव एविडेंस है या नहीं है वो भी केस रिपोर्ट में गिवन हो सकता है. बट हम ये बोल सकते हैं कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा, बिकॉज हमें पता है कि जो हमारी ड्रग है अगेन हेपेटोटॉक्सिक है. ठीक है, हेपेटोटॉक्सिटी का तो एविडेंस हमारे पास है ना, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें ये बोला, जिसमें ये चीज रिपोर्टेड है कि ये ड्रग लेने की वजह से हेपेटोटॉक्सिटी होती है. तो हेपेटोटॉक्सिटी होती है, लेकिन ये कहीं पे नहीं है कि हेपेटाइटिस होता है. ठीक है, तो हेपेटाइटिस ये बस आपको ये इसके हिसाब से ही आपको आंसर करना है. अगर एविडेंस है तो आप लिखेंगे यस, अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है इससे रिलेटेड आप क्या लिखेंगे, नो. तो अकॉर्डिंग टू द केस रिपोर्ट, बिकॉज केस रिपोर्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है कि इस चीज के एविडेंस है, तो मैं इसका आंसर लिखूंगी अभी फिलहाल के लिए डोंट नो. अगर कोई क्लिनिकल एडीआर को कंफर्म करने के कोई ऐसे एविडेंस होते, और इनफैक्ट अगर हम बात करें री चैलेंज की, हाँ इस केस में हमने क्या किया था, री चैलेंज किया था, तो री चैलेंज करने के बाद हमारे पास तो एविडेंस आ गए ना. तो इन दैट केस, सो आई फॉरगॉट अबाउट द री चैलेंज पर्टिकुलरली. सो हमने री चैलेंज किया था, दोबारा ड्रग को एडमिनिस्टर किया था, और एडमिनिस्टर करने के बाद जैसे ही पैरासिनामाइड दिया तो दोबारा से हेपेटाइटिस आया, तो इसका मतलब हमारे पास एविडेंस है. तो मैं यहाँ पे जो रेटिंग देने वाली हूँ इट विल बी +1. अगर वो वाला केस होता ना जहाँ पे रीचैलेंज किया ही नहीं था, दोबारा दिया नहीं था, तो उस केस में मेरे पास एविडेंस नहीं थे तो मैं जीरो रेटिंग देती. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, इन सबको आप ऐड कर दीजिए, सम निकालिए इन सब का, क्या आएगा आपका, 1 है, 1+2 3 3+1 4 5 6 7 8 9. टोटल स्कोर क्या आया, 9 आया. आपके पास जो भी आपकी स्कोरिंग है उसे आपने सम कर देना है. सो आंसर वी गॉट फ्रॉम हियर इज 9. ठीक है, जो स्कोर हमें मिला वो क्या है, 9 स्कोर मिला है. ठीक है, क्लियर है कैसे हम स्कोर कैलकुलेट करते हैं. नाउ अब इस स्कोर के बेस में हम क्या पता लगाएंगे, तो मैं यहीं पे इसे मेंशन कर दे रही हूं. जब हमने स्कोर, हमें पता चल गया कि हमारा स्कोर आ गया है 9, तो कैसे हम निकालेंगे. ठीक है, सो द थिंग इज कि अगर आपका जो स्कोर है, ठीक है, वो 9 to 10 की रेंज में है, ठीक है, बिटवीन 9 to 10 अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि जो एडीआर है वो क्या है, डेफिनेटली रिलेटेड है विद दी ड्रग. ठीक है, डेफिनेट आपने बोल दिया कि हाँ, जो कल्प्रेट ड्रग जिसके बारे में बोला जा रहा है, जो बार बार कहा जा रहा है कि हाँ इसी ड्रग की वजह से ये एडीआर हुआ है, पैरेजनामाइड की वजह से एडीआर हुआ है, तो वो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि हाँ इसी की वजह से हुआ है. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, अगर ये आया 9 to 10 देन द एडीआर इज डेफिनेटली रिलेटेड विद द ड्रग. ओके, डेफिनेटली आप कह दिया आपने कि हाँ ये ड्रग की वजह से है. अगर जो स्कोर है वो आता अगर आपका 5 to 8 की रेंज में, अगर स्कोर आता 5 to 8 की रेंज में, तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारा जो एडीआर और ड्रग का रिलेशन है, इट इज प्रोबेबल. ओके, नॉट डेफिनेट बट प्रोबेबल. प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबल मतलब क्या होता है, जब रिलेशन जो हम कह रहे हैं ना एडीआर और ड्रग के बीच का, जो आपका है कि ड्रग की वजह से ही एडीआर हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि ऐसा होगा. ठीक है, 100% हम नहीं कह रहे हैं, वो तो हम डेफिनेट में बोलते हैं, प्रोबेबल मतलब हाँ चांसेस हैं कि ऐसा होगा. ठीक है, चांसेस ज्यादा उसकी तरफ ही हैं. ठीक है, तो प्रोबेबल होगा अगर स्कोर आया होता 5 to 8 के बीच में. अगर स्कोर आता है बिटवीन 1 to 4 देन व्हाट वी विल से दैट द रिलेशन एंड द कोरिलेशन इज पॉसिबल. ठीक है,
पॉसिबल मतलब कि दोनों के बीच में जो आपका रिलेशन है कि ड्रग की वजह से ही एडीआर हुआ है, इसकी पॉसिबिलिटी है। हम चांसेस की भी बात नहीं कर रहे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हम किसी चीज को भी हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि वो डेफिनेट की तरफ होता है, ठीक है। ज्यादा चांसेस ये हैं कि हाँ वो आपका क्या होगा, ड्रग की वजह से ही वो एडीआर हुआ है। बट इन केस ऑफ पॉसिबल आप पॉसिबिलिटी में कुछ नहीं बोलते। पॉसिबल मतलब होता क्या है, जब आप किसी चीज की संभावना को बता रहे हैं आप सीधे ये बोल रहे हैं कि आप पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप किसी भी एक तरफ नहीं झुकाव दिखा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द केस ऑफ पॉसिबल। नाउ इफ द काउंट इज और द स्कोर इज लेस देन वन, सॉरी इफ इट इज लेस देन वन, अगर एक से भी कम स्कोर आ रहा है, लेस देन वन, तो आप क्या बोलेंगे, जो आपका कोरिलेशन है इट इज वेरी डाउटफुल। ओके, डाउटफुल है कि आपका हो सकता है, डाउटफुल मतलब जब किसी चीज पर शक हो जाए कि भाई नहीं इसके कोई चांसेस नहीं है, या यू कैन से अनलाइकली, ठीक है। तो अगर ऐसा केस बन रहा है कि जो टोटल आपने स्कोरिंग की उसका स्कोर वन से कम आ रहा है, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे कि ये डाउटफुल है, ठीक है। डाउटफुल जहां पे आपको बिल्कुल लग ही नहीं रहा होता है, केवल आप एक गुंजाइश सी रखते हैं हल्की सी, बट कोई चांसेस नहीं है कि ये ड्रग से रिलेटेड है। हो सकता है कि इस इंसान को कोई दूसरी ऐसी ड्रग वो ले रहा है जिसकी वजह से ये हुआ है, या फिर उसे कोई दूसरी ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से ये सिम्टम आया है, या फिर उसे जो पर्टिकुलर अभी एट प्रेजेंट डिजीज है उसका कोई दूसरा सिम्टम ये है, बट ये ड्रग की वजह से नहीं है, वो ये बताता है डाउटफुल का केस। सो अकॉर्डिंग टू आर कैलकुलेशन, जो हमने स्कोर कैलकुलेट किया था, जो केस स्टडी हमारे सामने थी हेपेटाइटिस की, उसके अकॉर्डिंग हमने जो स्कोर कैलकुलेट किया था, वी गॉट 9 स्कोर, है ना। तो 9 स्कोर वाला क्या रहता है, स्कोर 9 to 10 डेफिनेट, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे सामने केस स्टडी थी उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो हेपेटाइटिस था वो आपका पायराजनामाइड की वजह से ही हुआ था, क्योंकि हमने रीचैलेंज करके भी देख लिया था, इसीलिए मैंने लास्ट में स्कोरिंग जो दी थी एविडेंस के केस में पॉजिटिव दी थी, यस आंसर दिया था, ठीक हो गया। तो इसका मतलब नैरेंजो स्केल समझ में आ गया, ये किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। टोटली अपना दिमाग नहीं लगाना है कि इधर ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, आपके सामने केस स्टडी है, आप केस स्टडी को पूरा पढ़िए, उससे रिलेटेड आपको जो भी चीजें आपको उससे इंक्वायरी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आपको गैदर करना है, देन आपको ये क्वेश्चंस आंसर करने। फाइनली जब क्वेश्चन आंसर करते हैं आपको येस और नो और डोंट नो का स्कोर पता होना चाहिए, कि आंसर येस होता है तो हम क्या स्कोर देते हैं, नो होता है तो हम क्या स्कोर देते हैं। डोंट नो में हमेशा 0 स्कोर आता है, ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक छोटी सी केवल ट्रिक है, जहां पे भी आपका +1 आ रहा है उसके साथ नो में हमेशा 0 आएगा, ठीक है। अगर येस का आपका +1 है तो नो आपका 0 ही होने वाला है। केवल 2 ही केस ऐसे हैं जिसमें आपका क्या है माइनस में रीडिंग दी जाती है, कौन से केस में, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 में। 5 और 6 ही आपका एक ऐसा आपका क्वेश्चन है जिसमें अगर आपका आंसर यस है तो आप -1 रीडिंग देते हैं, और दोनों में एक चीज है, देखो लेवल अलग है। अगर ऑल्टरनेट वाले के केस में अगर यस आंसर है तो आप क्या देते हो -1, लेकिन अगर नो आंसर आएगा तो +2 जाता है, जबकि प्लेसिबो के केस में अगर यस आंसर है तो -1 जाएगा, बट अगर प्लस हुआ, अगर नो आंसर है तो क्या होगा, +1 जाएगा। दोनों में यही डिफरेंस है, इन दोनों के केस में आपका यस आंसर होने पे -1 जाता है। और इसके अलावा बाकी एक केस जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन और री एडमिनिस्ट्रेशन का है, याद करने का तरीका है ये। अगर एडमिनिस्ट्रेशन वाले केस में हमेशा +2 दिया जाएगा और री एडमिनिस्ट्रेशन वाले केस में भी +2 दिया जाएगा, जहां पे भी आप +2 दे रहे हैं उसके अपोजिट में -1 आएगा। तो इस तरीके से आप इस पूरी स्केल को याद कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको एग्जाम स्किल तैयार करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नैरेंजो स्केल, कि कैसे हम कैजुअलिटी को असेस करते हैं बाय यूजिंग नैरेंजो एल्गोरिदम स्केल। और ध्यान रखिएगा, और WHO तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये स्केल्स यूज होती हैं, कोई भी स्केल ऐसी नहीं है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हर कोई अपने अकॉर्डिंग स्केल्स को यूज करता है। कुछ ऐसे हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, कुछ विजिलेंस सेंटर हैं जो WHO स्केल को आपका प्रेफर करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नैरेंजो को स्केल को प्रेफर करते हैं, तो दोनों को जानना बहुत जरूरी है। तो दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आंसर करूंगी डेफिनेटली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।